हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, तो इसके आप फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर क्या है, 25 और 4 और 9 ये क्या है, स्क्वायर है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 क्रॉस 5, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। सेम वे में 4 क्या होता है, 2 क्रॉस 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 क्रॉस 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 5 बाई 2 और साथ में x इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं y बाई 3 और इसका स्क्वायर। अब यहां से एक आइडेंटिटी का हम यूज कर, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि स्क्वायर के बीच में अगर डिफरेंस होता है तो दैट मीन्स एक बार आप प्लस कर दोगे, एक बार आप माइनस कर दोगे। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट 5/2 x माइनस वाई बाई 3 और 5/2 x प्लस वाई बाई 3, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29a² + 70ab + 25b². यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x² + 2xy + y². तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, 49 को हम लिख सकते हैं, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर प्लस 70 को फिलहाल के लिए ऐसे ही रख दीजिए, प्लस 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों नंबर को देखना है और यहाँ पर आपने क्या बनाना है, 2xy बनाना है। इन दोनों नंबर को देखते हुए आपने 2xy बनाना है। तो यहाँ से देखो 7a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या, 2x और y, 2x की वैल्यू क्या आपकी 7a और y की वैल्यू क्या आपकी 5b। अब ये देखो क्या इससे यही नंबर आता है, इससे यही नंबर आता है। देखो 2 7 जा 14, 14 5 जा क्या होता है 70, a और b यही नंबर आता है, प्लस 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7a + 5b का होल स्क्वायर। अब हम इसको अलग अलग से लिख देंगे, 7a + 5b और 7a + 5b, और यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।